सही डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास एक ड्रीम है कि आप वो चीज दिल से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको उस चीज को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं आपको बताऊं तो वेटनरी कॉलेज में मेरा सबसे हाईएस्ट रैंक आया। मेरे और भी जितने बैचमेट्स थे उन्होंने एग्जाम दिया, बट मेरी उन स्टूडेंट्स में मेरी हाईएस्ट रैंक आई, क्योंकि मैंने क्लास करते हुए भी पढ़ाई। एक होता है ना, तो आप सोचो इतने दिन से मेहनत करो और वो हुआ। और अगर पढ़ाई के बारे में बोलूँ तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट कि तुम एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जब आप एनसीईआरटी अप्रोच करते हो, उससे पहले आप सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो कि उन क्वेश्चंस में क्या पूछा है और वो एनसीईआरटी की लाइन क्या है। एनसीईआरटी का लाइन जो पूछा है उसी पैराग्राफ से वो क्वेश्चंस को पलट सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि आप छोटी छोटी चीज को ध्यान दो। फिजिक्स के लिए जरूरी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बच्चे मिस करते हैं, आईआईटी जेई का क्वेश्चन, फिर जो प्रीवियस ईयर एआई ट्रिपली के क्वेश्चन थे, अब जेई मेंस एंड एडवांस, उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, बस और बस एनसीईआरटी पढ़ना है और हो जाएगा। जब मेरे से हो सकता है, इतने एडवर्स कंडीशन में जब मैं कर सकती हूँ, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि इससे पूरा कंडीशन क्या होगा जो आपको हर पल समझता है, यू लॉस्ट योर फादर और आप अपने पापा की सपने को पूरा करते हो। जो लोग मेरे अगेंस्ट थे कि क्यों अभी तक प्रिपरेशन कर रही है, क्यों अभी तक प्रिपरेशन कर रही है, यू वोंट बिलीव कि मेरी मम्मी के पास कहां कहां से कॉल आ रहे हैं कि आपकी बेटी फाइनली डॉक्टर बने। आप लोग इतना हिम्मत दिखाए कि फाइनली आपकी बेटी डॉक्टर है और वो डॉक्टर बन गई। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे 150 लोगों की ज्वाइंट फैमिली है एंड आई एम द फर्स्ट डॉक्टर। माय मॉम इज अ डॉक्टर, जो भी पढ़ाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं। और अपना होना चाहिए कि मुझे करना है, कोई कितना भी गाइड कर दे वो अलग चीज होती है। लेकिन सब कोई भी रिजल्ट होता है तो अकेले रिजल्ट नहीं होता, उसमें सबसे पहले पेरेंट्स, फिर टीचर्स और फिर खुद आप सब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट हो के ही रहता है। कोई आपका रिजल्ट रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी वर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए, आपका रिजल्ट होगा। बस विश्वास रखना, सर लोग के गाइडेंस पे बिलीव करना और फॉलो करना, सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू।